जी तो बेटा, मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी जो नए सेल्स हैं वो बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब देखें, हमारे पास जो गिवन सेल है, अगर हम सेल को क्लासिफाई करते हैं तो सेल जो है इट इज़ क्लासिफाइड एज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक वो सेल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है। यहाँ पर ई यू यू इसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियो का लफ्ज निकला है कैरियन से, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, एनवेलप न्यूक्लियस है, उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और इसी तरह कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा सेल जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, विदाउट एनवेलप होगा, उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। अब जो सेल्स हैं, जनरली इनमें चार तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एनवेलप, साइटोप्लाज्म, फाइबर्स और ऑर्गेनल्स। एनवेलप जो बाहर से सेल को कवर करता है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल कंसिडर होता है, ठीक है। फाइबर्स ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ये सेल की डिफरेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं। और ऑर्गेनल्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर पार्टिकल्स जिनके बगैर सेल के फंक्शन को, कंप्लीट फंक्शन को डिस्क्राइब करना मुश्किल है, ठीक है। अब एनवेलप की अगर हम बात करते हैं तो एनवेलप इज कंसिस्टिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ असेंशियल एनवेलप, जो तमाम किस्म के सेल्स में होता है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। सेल वॉल जो है ये सिलेक्टेड है, कुछ सेल्स में होगा और कुछ सेल्स में नहीं होगा। मिसाल, प्लांट सेल्स में और एल्जी की सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन अमीबा में, पैरामीशियम में या एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट एनवेलप है वो सेल मेम्ब्रेन का है, सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म जो है, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ द सेल, जो तमाम किस्म के सेल्स में आपको लाजिम तौर पर मिलेगा। और आपको मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में भी ये बात बताई कि सेल के जो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज साइटोप्लाज्म एज वेल, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन फाइबर्स की, ये सेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, ये भी कुछ सेल्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते। मसलन एनिमल सेल्स में जो नंबर ऑफ प्रोटीन फाइबर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स में डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में आपको नजर आएंगे, ठीक है भाई। अब जो फाइबर्स एनिमल सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें कहते हैं साइटोस्केलेटन। बायोलॉजी की एक खास बात यह है कि इसमें चूंकि ग्रीक लैंग्वेज है, और ग्रीक वर्ड्स को, ग्रीक टर्म्स को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिंगल वर्ड को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें, सी वाई टी ई साइट, ये जो वर्ड है ना साइट का, ये रिप्रेजेंट करता है सेल को, और ये जो वर्ड है स्केलेटन का, ये रिप्रेजेंट करता है सपोर्ट को। तो सपोर्टिंग टिश्यूज या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स को साइटोस्केलेटन का नाम दिया जाता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन में जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या माइक्रोटिब्यूल्स, दीज आर द प्रोटीन फाइबर्स या साइटोस्केलेटन्स विच आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। माइक्रोटिब्यूल्स जब अरेंज होते हैं तो ये सेंट्रियोल्स बनाते हैं, ये सीलिया बनाते हैं, ये इवन फ्लैजेला की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है भाई, इन केस ऑफ एनिमल सेल। अब ऑर्गेनल्स जो है, बाय डेफिनेशन ऑर्गेनल्स सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स एनवेलप्ड भी हो सकते हैं, नॉन एनवेलप्ड भी हो सकते हैं। यहां पे एक छोटा सा इख्तलाफ है साइंटिस्ट का, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऑर्गेनल्स मस्ट हैव देयर ओन एनवेलप, और कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं इंक्लूडिंग राइबोसोम्स, वो ऑर्गेनल्स हैं। अब चूंकि आपकी किताब इस दूसरी बात को फॉलो करती है, इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि आपकी किताब के मुताबिक, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ऑर्गेनल्स आर द इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द सेल, उसमें एनवेलप हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनल्स दो तरह की हैं, एक नॉन एनवेलप्ड है और एक एनवेलप्ड है, ठीक है। जो नॉन एनवेलप्ड ऑर्गेनल्स हैं उसमें हमारे पास राइबोसोम्स की एग्जाम्पल है। राइबोसोम्स इज द कॉमन स्ट्रक्चर फॉर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों तरह के सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं।
ठीक है, यहां पर ये बात याद रखें, बाकी डिटेल भी इंशाल्लाह हम चैप्टर में साथ साथ डिस्कस करेंगे कि जितने भी एनवेलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी एनवेलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो बिल्कुल नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे स्ट्रक्चर्स किसी ना किसी सूरत में आपको नजर आ जाते हैं। ठीक है, बेशुमार एग्जांपल्स हैं। अब इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी सिंगल एनवेलप है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, कुछ में सिंगल है और कुछ में डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अब जो सिंगल एनवेलप्ड एग्जांपल्स हैं आपके पास सिंगल एनवेलप्ड ऑर्गेनल्स की आपकी किताब में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, फिर लाइसोसोम्स हैं, पारोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, वेक्यूल और प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स इंक्लूडिंग क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो डबल एनवेलप्ड स्ट्रक्चर हैं यानी जिनके बाहर दो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें तीन एग्जांपल हैं आपकी किताब में, न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने इस चैप्टर में इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डिटेल को भी डिस्कस करना है वन बाय वन, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सेल्स के डिफरेंसेस को भी डिस्कस करना है इन डिटेल, और उसके अलावा हमने टेक्निक्स भी डिस्कस करनी है कि सेल बायोलॉजी में सेल के कंटेंट्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी सी डिटेल है विद रेफरेंस टू इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम सारे की सारी डिटेल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।